साथियों, भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया है। जनधन योजना के तहत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं, जिनमें से करीब 3 करोड़ लाभार्थी बहनें अकेले हमारे पश्चिम बंगाल की है। इन 10 वर्षों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इसमें पश्चिम बंगाल की भी आप जैसी 1,25,00,000 से ज्यादा बहनें हैं। हमारे देश में 10 वर्षों में बहनों के इन समूहों को स्वरोजगार के लिए 8,00,000 करोड़ रुपए की मदद बैंकों से दिलवाई है। बंगाल के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी करीब 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है। और मैं तो अब जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह, ये महिला स्वयं सहायता समूह, उनकी जो ताकत देख रहा हूं ना, तो मैंने तो एक मीटिंग में कहा था ये सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूह रहता नहीं है, ये तो राष्ट्र सहायता समूह है, राष्ट्र सहायता समूह है। साथियों, इस राशि से बंगाल की महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में, कुटीर उद्योग में, मछली पालन में, शहद पालन में, हस्तशिल्प में एक से बढ़कर एक काम किए हैं। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास गांव में रहने वाली आप जैसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। हमने देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब गांव गांव में अनेकों लखपति दीदी होगी तो उस गांव की तस्वीर और तकदीर कैसे बदल जाएगी। अभी तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने के में हम सफल हो चुके हैं। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के इन प्रयत्नों से बंगाल में भी 16,00,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। साथियों, मुद्रा योजना से बिना गारंटी का ऋण लेकर अपना बिजनेस शुरू करने वाले लाभार्थियों में भी सबसे अधिक हमारी माताएं, बहनें, बेटियां इस योजना के तहत 1,25,00,000 करोड़ रुपए से अधिक सिर्फ पश्चिम बंगाल की बहनों को मिले हैं। मैं देशभर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश की लगभग 3 करोड़ महिला किसानों को पहली बार पैसा मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें कारीगर हैं, हस्तकला से जुड़ी है, जूट की टोकरी बनाने वाली, मछली की जाल बुनने वाली, कपड़े की सिलाई, कपड़े की धुलाई, खिलौने मालाएं ये बनाने वाली
ऐसे अनेक कामों से जुड़ी बहनों के लिए हम पीएम विश्वकर्मा योजना लाए हैं। इस योजना पर भी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए एक और बहुत बड़ी योजना लेकर आई है। मोदी ने गांव की बहनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना ये शुरू की है। इससे बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन बहनों को भाजपा सरकार ड्रोन देंगी जो खेती के काम आएंगे। इससे खेती भी आधुनिक होगी और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाई भी होगी।